हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ गाज़ियाबाद। वंश मुझे बस अड्डे छोड़ने जा रहा है। अंशी अपने पापा के साथ स्कूटी पे चली गई है, वो हमें बस अड्डे पे मिलेगी। देखिए, बस के लिए हम आ गए हैं, पर हमारी कोई बस नज़र नहीं आ रही है। बहुत परेशान हो गए धूप में खड़े खड़े, पर एक बस आई जिसमें हम अब बैठने जा रहे हैं। और हम बस में बैठ गए, बस हमारी चल दी। और बस इतनी आवाज़ कर रही थी, इतनी आवाज़ कर रही थी कि बस पूछो मत। वो अंशी कह रही थी, हे भगवान मम्मी, मेरे तो सिर में दर्द हो गया बहुत तेज़, ये बस बहुत आवाज़ कर रही है। और पर बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बाहर का नज़ारा देख रहे थे। और हमने फिर खाई दाल, लेके दाल वाला आ गया था तो हम दोनों ने मिलके दाल खाई, अंशी ने और मैंने। फिर देखा तो बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। आ गया गढ़ मुक्तेश्वर, वहाँ पे देखा गंगा जी नज़र आ रही थी। और उधर की तरफ आ रहे थे बहुत सारे मुंडों की दुकान, जो अभी आपको दिखाई देगी। इसके बाद आ गई मुंडों की दुकान। देखिए, अब आपको नज़र आएंगे मुंडे, देखिए कितने सारे। पर बस बहुत स्पीड से है तो इसलिए सही से दिखाई नहीं दे रहा। अब आ गया टूल टैक्स गढ़ मुक्तेश्वर का, तो अब बस वहाँ से निकल रही है हमारी। ये गढ़ मुक्तेश्वर का टूल टैक्स है। अब उससे आगे चले सफ़र का मज़ा लेते हुए। बाहर बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब हमारा बस रुक गई है एक ढाबे पे, जहाँ से हम और अंशी नीचे उतरे और वहाँ से ली हमने कोल्ड ड्रिंक और लिया कुरकुरे का पैकेट, जिसे हमने खूब खाया, इंजॉय करा। और हम लोग और ये अंशी ने मेरे से दोनों चीज़ ले ली, कोल्ड ड्रिंक भी ले ली और कुरकुरा भी ले लिया। कह रही है मैं खाऊंगी, मैं आपको नहीं दूंगी। देखिए, इसके हाथ में दोनों चीज़ें हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक भी दिख रही है आपको और ये कुरकुरा भी दिख रहा होगा। और हम अब आ गए गाज़ियाबाद, अपने घर में प्रवेश कर लिया है गाज़ियाबाद में। और देखिए, मैं गणपति जी के दर्शन कराती हूँ। देखिए कितने सुंदर गणपति, देखिए कितने सुंदर गणपति जी हैं। गणपति जी आप सभी लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण करें, जो आपकी इच्छा हो। और जय गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस फिर जल्दी आ। जय बोलो गणपति बप्पा की, बोलो गणपति बप्पा की जय हो। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट।